दिल्ली का ये इलाका जंगपुरा है। कांग्रेस के तरविंदर सिंह मरवाह इस सीट से पिछले 15 साल से विधायक हैं। ये इलाका पूर्वी दिल्ली में आता है, जहां से संदीप दीक्षित सांसद हैं। जंगपुरा विधानसभा में जंगपुरा एक्सटेंशन, भूगल, सराय कालेखां, सिद्धार्थ बस्ती और लाजपत नगर के कुछ हिस्से आते हैं। इलाके में सबसे बड़ी समस्या सीवर की है, जिसे अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। टूटी पड़ी सड़कें वगैरह थी, बड़ी वाली जो अपनी गांव के अंदर भी सड़कें हैं, काफ़ी टाइम से टूटी पड़ी थी, सीवर ओवर गई, मतलब गांव में तो अभी भी समस्या सीवर की है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे क्लियर हो गई है, मतलब ये कि 40% हो भी गई तो 60% अभी भी रहती है। इस गांव की जो सबसे बड़ी समस्या थी सीवेज प्रॉब्लम थी। हम कई बार दरखास्त करने गए, पूरे 5 साल के बाद अब MLA के इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन मतलब यहाँ का MLA इतना एहसान फरामोश आदमी है कि उसने इस सीवेज प्रॉब्लम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। सीवर के अलावा इलाके में चारों तरफ गंदगी है, सड़कें टूटी हुई हैं, इलाके में अच्छे स्कूल नहीं हैं, ट्रैफिक, बारात घर, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी लोगों के लिए मुद्दा है। दिल्ली में 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। तो दिल्ली में जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दिल्ली में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। 4 दिसंबर को वोटिंग है, जरूर कीजिएगा। इस वक्त कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस की जो टीम है वो आ पहुंची है जंगपुरा विधानसभा सीट। जंगपुरा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1,21,000 के आसपास यहां पर मतदाता, 1,25,000 के आसपास यहां पर मतदाता हैं, और ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाती है ये सीट। 1993 से लगातार यहां पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह की समस्याएं हैं इस इलाके में, किस तरह के दावे और वादे और किस तरह का कंपटीशन, किस तरह से बीजेपी के यहां पर उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी किस तरह से चुनौती पेश कर रही हैं दोनों पार्टियों के। कुछ लोग भी हमारे साथ, आप देखेंगे भारी भीड़ है, कई लोग हैं हमारे साथ जो बताएंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, जनता से क्या अपेक्षाएं हैं। सबके पास आऊंगा मैं एक एक करके, लेकिन सबसे पहले 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, तीनों ही पार्टी के प्रतिनिधि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कांग्रेस से मेरे साथ भागीरथ सिंह हैं, बीजेपी से अश्विनी गुप्ता जी और मनिंदर सिंह धीर आम आदमी पार्टी से। सबसे पहले मैं अश्विनी गुप्ता जी के पास चलता हूँ। गुप्ता जी, बहुत लंबा समय हो गया आप लोग सत्ता से बाहर हैं, इस बार क्या मुद्दे आपके पास? दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार झुग्गी झोंपड़ियों वालों को बेवकूफ़ बना के वोट लेती रही है। आज से 15 साल पहले 100 रुपये की पर्ची काटी, उसके बाद 500 रुपये का पर्चा काटा, इस बार 10-20 मकान बना के बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और हर बार वोट ले जाते हैं। इस बार इस क्षेत्र की जहां तक बात करें, मैंने ये सर्वे रिपोर्ट है मेरे पास कई तरीके की, झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी यहाँ पर काफ़ी हैं, कई बस्ती सेवा बस्तियाँ हैं, उन लोगों का कहना है गंद पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बिजली के बिल, और हम राष्ट्रपति भवन से 10 किलोमीटर दूर शीला दीक्षित जी के घर से 4 किलोमीटर दूरी पे बैठे हैं। अगर यहाँ पर हम पानी की मुहैया नहीं करा सकते, आपके हिसाब से बिजली पानी आपका मुद्दा है, सर आपके लिए मुद्दा भारी पड़ेगा आपको? सर कोई मुद्दा नहीं है, हमारे क्षेत्र में बिल्कुल पूरा विकास हुआ है, कोई पानी समस्या नहीं है। आप यहाँ पब्लिक खड़ी हुई है, जनता खड़ी हुई है, आप जनता से पूछ सकते हैं और जनता इसका जवाब देगी। बिजली पानी का कोई आपके पास, आप किन मुद्दों के आधार पर वोट मांगने जाएंगे? कोई हमारा मुद्दा, हमने विकास किया है, हमने काम किया है क्षेत्र में, काम किया, हमने विकास किया है, जिस पे हम वोट मांगे ना है। 20 साल हो गए आपको 93 से लगातार, उससे पहले भी ये गढ़ कहा जाती है कांग्रेस की सीट, क्या काम किया पिछले 20 सालों में गिनाए आप? सर ऐसा आप जनता से पूछे क्या काम ने, हमने नहीं किया, हमने सभी काम किया। क्या काम नहीं किया धीर साहब, आम आदमी पार्टी से आप हैं, बताइए क्या काम इन्होंने नहीं किया? सर सबसे बड़ा तो काम इन्होंने यह है कि बिजली के बिल 6 गुना बढ़ा दिए हैं। बिजली के बिल 6 गुना बढ़ा दिया आपने? सर अगर दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर देखा है, दिल्ली के अंदर सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है, सबसे सस्ती बिजली। बात यह की 180 यूनिट या 200 यूनिट तक का ये क्राइटेरिया लेते हैं, वो एक बेवकूफ बनाने का तरीका है। अगर आप 1,000 यूनिट का लेंगे तो दिल्ली के अंदर सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगी बिजली दिल्ली में। सर सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश में है, जहाँ बिजली का उत्पादन होता है। आप वहाँ पे देखेंगे जो क्राइटेरिया है वहाँ 5.60 रुपये स्टार्टिंग है, जो दिल्ली के अंदर 2.80 रुपये स्टार्टिंग है, और सब्सिडी पब्लिक को मिलती है। ये कहते हैं कि बिजली, क्योंकि वहाँ पे सरकार बीजेपी की है और 15 साल से वहाँ। साहब एक और चीज भी तो है ना कि यहाँ बिजली आती भी तो 24 घंटे है, इसलिए बिजली के बिल भी ज्यादा है। सर 24 घंटे का सवाल तो सर बात 24 घंटे की नहीं है, बात इनको 24 घंटे में बिजली देनी चाहिए, ये सरकार का फर्ज है उनको बिजली देनी चाहिए। लेकिन जो 2010 में DERC के चेयरमैन विजेंद्र जी ने ये एक रिपोर्ट पेश की थी कि बिजली के फायदे में जा रही है, तब इन्होंने 6 गुना उसके बिल क्यों बढ़ा दिए? बिजली के अलावा कोई और मुद्दा आम आदमी पार्टी के? आप ये बहन जी खड़ी हुई है, सड़कों की गलियों की हालत इतनी खराब है, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। सड़कें और गलियां टूटी पड़ी। सड़कों का मुद्दा MCD का मुद्दा है, कोई विकास
सारी सड़कें बनी हुई हैं, क्षेत्र बीजेपी की सरकार एमसीडी में है जो ये सड़कें बनी है। वैसे हमारे क्षेत्र में हमारे नेता हर जगह सड़क बना रहे हैं, अपने फंड से बनवा रहे हैं, जाकर देख सकते हैं। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है क्या यहाँ पर? आप योग्य में जाके देखेंगे, वहाँ पर पक्के टॉयलेट बने हुए हैं। अश्विनी जी को मालूम नहीं है क्षेत्र के बारे में, ये सर्वे रिपोर्ट झूठी है, सर्वे रिपोर्ट हम नहीं मानते। आप क्षेत्र में झुग्गियों में जाके देखेंगे तो ऑलरेडी वहाँ पे सब कुछ। क्या मूलभूत सुविधाओं का अभाव है यहाँ पर? सर ये कॉलोनी में जाके लोकड़ी में जाके देखिए, कलेखा में जाके देखिए, सड़कों क्या क्या हालत है। ये कहते हैं सड़कें बहुत अच्छी हैं, आप जाके देखिए, कैमरा आपके पास है। लोकड़ी में जाके सड़कों की हालत देखिए क्या हालत है, बेंची वहाँ से पार्षद है, या कलेखा में जाके देखिए सड़कों क्या क्या सड़क क्या। ये एक मुद्दा है जो आपके खिलाफ जा सकता है, सड़कों की बदहाल स्थिति? सर सड़कों की बदहाल स्थिति नहीं है, हमारी पार्षद हमारे साथ में खड़ी हुई है, दो बार से निगम पार्षद हैं, क्षेत्रीय जनता इसलिए करती है काम। अगर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, क्षेत्र में विकास कर रहे हैं मारवा साहब, तो इस वजह से बार बार हमें जिता रहे हैं। तीन बार हमारे विधायक जी जीत चुके हैं। ये भी बात है ना धीर साहब कि कुछ काम कर रहे हैं तभी लगातार जीतते आ रहे हैं। देखिए तीन बार जीतने के बाद भी अगर ये कहें हम काम कर रहे हैं, क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नाम के बिल्कुल जीरो इलाका। सर किस तरह के इश्यूज यहाँ पर? हाँ जी, किस तरह के इश्यूज यहाँ पर, किस तरह की समस्या? कोई इशू नहीं है यहाँ, यहाँ पर लगातार काम हो रहे हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। यहाँ कांग्रेस बहुत काम कर रही है, खूब काम हो रहे हैं, विधायक साहब 24 घंटे लगे रहते हैं। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। निजाम, मैं निजामुद्दीन से हूँ और निजामुद्दीन में इनका काउंसलर का और एमएलए का झगड़ा इतना है, वो ये कहते हैं सड़क उनके जिम्मे है और इसी झगड़े में हम परेशान हैं, इसी झगड़े में हमें कुछ नहीं मिला आज तक। इनका आपस के झगड़े ने पब्लिक को नुकसान पहुँचाया है। सर मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे एरिया का जो एमएलए है तरविंदर सिंह मारवा जी 24 घंटे अवेलेबल है, जब आप चाहोगे वो मिलेगा आपको। सराय काले का गांव में आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर आदमी, ये सिर्फ यही तक एमएलए गंदा पानी पीता आदमी सराय काले का गांव में, कोई इसके कोई कांग्रेस है, इनका काउंसलर इनका है, एमएलए इनका है और निजामुद्दीन बस्ती जाके देख सकते हैं आप, उसमें इन दोनों के आपस में ही नहीं बनती। रोड डालता है तो पानी बंद कर देता है, काम किया था एमएलए, खुद क्यों नहीं आया? जंगपुरा विधानसभा सीट में कांटे की टक्कर कही जा सकती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर विपक्ष कमजोर है, इसलिए लगातार कांग्रेस जीतती आ रही है। 4 दिसंबर को वोट जरूर कीजिए। काम क्या काम करें।